नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा पूरा कारोबार और साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रेटजी। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज हमारे साथ जो खास मेहमान आधे घंटे रहेंगे साथ, उनका भी परिचय करा दें, एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दें। कुशल से हम जानेंगे बाजार का हाल, M&M पर बुल वर्सेस बेयर लेकर हमारे साथ कुशल से और जानकारी लेंगे हम। सेबी बोर्ड के अहम फैसलों की जानकारी हम लेंगे ब्रजेश कुमार से। रियल्टी शेयरों में आज क्यों रहा जोरदार एक्शन बताएंगे हमें मानसी। टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयरों का अब तक कैसा रहा प्रदर्शन बताएंगे आशीष। और शिपिंग से जुड़े शेयर क्यों रहे फोकस में बताएंगे हमें वरुण। सबसे पहले जान लेते हैं बाजार का कारोबार आज कैसा रहा। आज भी शानदार कारोबार हमें देखने को मिला बाजार में, मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, दोनों इंडेक्स की क्लोजिंग भी रिकॉर्ड हाई पर हुई। निफ्टी ने आज 13,650 का स्तर पार कर लिया और आज के कारोबार में रियल्टी, ऑटो और मेटल शेयरों से बाजार को काफी अच्छा सपोर्ट मिला और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार ने यह शानदार दम दिखाया है। FIIs/DIIs का डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,982 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,718 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास हम आ रहे हैं। एक बार फिर से हमने देखा बाजार रिकॉर्ड हाई बनाने में कामयाब रहा, सिलसिला लगातार जारी है। आज के लिए बाजार के मेन हाइलाइट्स क्या रहे? भारतीय बाजारों में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार रहा और आज भी भारतीय बाजारों ने क्लोजिंग बेसिस पर नए हाई बनाए। निफ्टी और सेंसेक्स जिन लेवल्स पर बंद हुए वो अब तक के सबसे ऊपरी स्तर है, 46,666। ये है सेंसेक्स का वो लेवल, 400 अंकों की मजबूती के साथ रिकॉर्ड हाई। 46,700 के लेवल को भी पार किया सेंसेक्स ने इंट्राडे बेसिस पर और निफ्टी 13,700 के बेहद करीब पहुंचा और जो बंद हुआ 13,682 पर वो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है 115 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा आज ढीला था, मुश्किल से 7 अंकों की मजबूती के साथ हरे निशान में ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। चौतरफा खरीदारी का माहौल था। आखिरी एक घंटे में बैंकिंग शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, इसलिए बैंक निफ्टी लड़खड़ाता हुआ नजर आया, लेकिन बाकी कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं। अच्छी खासी चौतरफा खरीदारी बाजार में चल रही है और आज तो सहारा ग्लोबल मार्केट से मिलते हुए नजर आया। जिस तरह की दमदार तेजी कल अमेरिका में बनी, डाउ फ्यूचर्स फिर से 70 अंक मजबूत थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त और 1-1.25% तक की तेजी यूरोप में नजर आ रही थी। तो आज रात फेड की अहम बैठक के पहले एक अच्छी तेजी की उम्मीद भारतीय बाजारों ने लगाई है अमेरिका से और उसी उम्मीद के दम पर फिर से इस हफ्ते के तीनों ही दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में रहे कामयाब। अब कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन। आमतौर पर हफ्ते में एक दिन एक्सपायरी के पहले हल्का करेक्शन दिखता है। इस बार जो करेक्शन दिख रहे हैं वो इंट्राडे में थोड़े बहुत आते दिख रहे हैं, थोड़ा एक डिप आपको दिन के दौरान मिलता है और 2 बजे के बाद फिर से FIIs की दमदार खरीदारी शुरू होती है और बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होता है। यही ट्रेंड पिछले 3 दिनों से लगातार दिख रहा है, आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो तेजी के पीछे की वजह सबसे पहले मजबूत ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा FIIs की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में, तीसरा तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत रिकॉर्ड हाई पर हाई और चौथा सेंटिमेंट जबरदस्त से इस वक्त खरीदारी के लिहाज से, पांचवा बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल और पार्टिसिपेशन पूरा, छठा सेंसेक्स और निफ्टी में कहीं कहीं किसी न किसी सेक्टर से कहीं कहीं किसी न किसी दिग्गज से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है और वो बाजारों को मजबूती के साथ बनाए हुए। तो ये सारे कारण हैं जिसके दम पर भारतीय बाजारों में तूफानी तेजी चल रही है और वही तेजी आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देख रहे हैं। बात है अनिल जी, तो बाजार के लिए मूड और माहौल पूरी तरह हर तरफ से सेट है, इसलिए बाजार नए कीर्तिमान बना रहा है। कल किन लेवल्स पर नजर रहनी चाहिए इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक जरा बातचीत कर ले, आज कहां पर ज्यादा देखने को मिली। कुशल गुप्ता का रुख करते हैं। कुशल, जरा बताएं आज बाजार में खबरों के चलते सबसे ज्यादा एक्शन कहां था?
जी, तो बाजार में लगातार तीसरे दिन हमें बेहतरीन तेजी देखने को मिली। आप देखिए इस हफ्ते और यहाँ पर जिस हिसाब की दमदार तेजी बनी, लाइफ टाइम हाई पर क्लोज करता हुआ दिखा निफ्टी। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में ONGC, हिंडालको, HDFC लिमिटेड जैसे शेयर 2 से 2.5% की बढ़त बनाते हुए नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों को देखें तो उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक और साथ ही इंडसइंड बैंक में हमें 1 से 1.5% का फॉल देखने को मिला। वहीं अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो रियल्टी स्पेस जो था वहां पर सबसे दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। करीब 6% का इंडेक्स मूव हमें यहां पर देखने को मिला, जिसमें DLF टॉप गेनर निकल कर आया। 10 से 12% का इंट्राडे अप मूव इस स्टॉक ने दिखाया और ओबराय रियल्टी, शोभा जैसे शेयरों में भी 4 से 6% का उछाल हमें देखने को मिला। वहीं मेटल स्पेस में भी तेजी बेहतरीन रही, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर जो था वो लीड करता हुआ दिखा और IT स्पेस में भी बेहतरी की संकेत हमें नजर आया, जिस तरह से आपको TCS, विप्रो, इंफोसिस जैसे शेयरों में अपमूव नजर आया। वहीं अगर आप PSU बैंकों की बात करेंगे तो यहां पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर हमें लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह का गिरावट हमें PNB में आज जो है, स्पेसिफिकली अगर आप 10 से 12% का इंट्राडे गिरावट का चार्ट देखेंगे तो यहां पर यह चीज थी। और वहीं जी के हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, आशीष केलकर जी ने आपको रिकमेंड किया था, यहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। और साथ साथ अशोक लेलैंड, यहां पर भी राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में आपको 4 से 5% का अपमूव कंफर्टेबली मिला होगा। तो कहीं ना कहीं जी के जो हिट कॉल्स थे वो काफी बेहतरीन थे और लाइफ टाइम हाई पर जो है बाजार जाकर बंद होता हुआ नजर आया। शुक्रिया कुशल बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए। सीधे रुख करते हैं एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा का। विजय जी, तीसरे दिन लगातार बाजार में शानदार तेजी, क्या लगता है आपको मोमेंटम बरकरार रहेगा? बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं? उसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए किसी को खरीदारी करनी हो तो कहां पर व्यू रखा जाए और मीडियम टर्म के लिए आप कहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे? नमस्कार, मुझे लगता है कि बाजार में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ड्रिवन है। हमने ये देखा कि मार्च से लेके अभी तक दिसंबर तक जिस प्रकार से FIIs ने बाइंग करी है, तो मुझे लगता है कि उस लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है स्टॉक्स को ऊपर ले जाने में। मगर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अब थोड़ा कॉशस होने का टाइम आ गया है। लगभग 13,700 के स्तर पे मार्केट्स हैं, हो सकता है कि यहाँ से भी हमको 100-200 पॉइंट की तेजी देखने को मिले। मैं ये नहीं कहता कि बहुत डीप करेक्शन होगा, मगर मार्केट्स में करेक्शन लाजमी है, होना ज़रूरी है। मार्केट्स थोड़े हेल्दी हो जाएंगे और फिर से तेज़ी की तरफ दौड़ेंगे। मुझे कोई क्रैश दूर दूर तक नज़र नहीं आता। कारण उसका यह है कि अभी भी जो अगर आप GDP का आंकड़ा देखें तो बहुत सारे इकोनॉमीज़ का ग्लोबली जो GDP का आंकड़ा है वो अभी भी नेगेटिव में है या कुछ थोड़ा ही पॉजिटिव की ओर है। तो संभवतः आपको यहाँ से तेजी देखने को ही मिलेगी और रिवाइवल देखने को ही मिलेगा। कुछ एक फैक्टर्स में बोलना चाहूँगा। जब भी इकोनॉमिक रिवाइवल्स होते हैं तो सबसे पहले आपको ऑटो में और रियल एस्टेट में और इंफ्रा स्पेस में तेजी देखने को मिलती है। और आप ही के चैनल पे मैं बहुत समय से बोलता आया हूँ, मेटल्स में भी देखने को मिलती है। टाटा स्टील मैंने रिकमेंड किया था दिवाली पे करीब करीब 410-15 रुपए पे और हम आज देख रहे हैं करीब 630 रुपए पे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी मैंने रिकमेंड किया था। DLF हमने देखा कि इतनी तेजी बना रहा है। इंफ्रा स्पेस में भी हम तेजी देख रहे हैं। L&T जैसे स्टॉक्स ने काफी अच्छी तेजी बनाई है लोअर लेवल्स से। तो संभवतः हम यहाँ से और ज्यादा तेजी देखेंगे, मगर मार्केट फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ दिखता है। और सेक्टर वाइज अगर हम कहें, मुझे लगता है कंजर्वेटिव सेक्टर्स की तरफ मूव करना ज्यादा अच्छा है और बेहतर होगा कि हम लोग हाई बीटा सेक्टर्स से कंजर्वेटिव सेक्टर्स या कंजम्पशन सेक्टर्स की तरफ आ जाएं, FMCG स्टॉक्स में आ जाएं, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में आ जाएं। सन फार्मा, नेस्ले, डाबर, मैरिको जैसी कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। ब्रिटानिया बहुत अच्छी लगती है, इन लेवल्स पर लिया जा सकता है। IT कंपनीज में इंफोसिस है, TCS है, इन कंपनीज में तेजी बन सकती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सेक्टरल शिफ्ट होगा आने वाले कुछ दिनों में और FIIs भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुक करेंगे। मुझे लगता है जब वो लंबी छुट्टी पे जाते हैं ईयर एंड पे तो उनको भी अपनी NAVs दिखानी होती हैं। तो संभवतः आपको एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, मगर वो बहुत शार्प होगी, बहुत कम समय के लिए होगी। उसके बाद बाजार मुझे लगता है दोबारा तेजी बनाएगा।
जो आपने मुझसे शॉर्ट टर्म पिक कहा है, तो शॉर्ट टर्म में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, इंट्राडे कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट्स जिन जगह पे हैं वहां पे कहीं करेक्शन भी आ सकती है। कॉनकॉर ऐसी कंपनी है जो कि भारत सरकार की अग्रणी कंपनी है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और मुझे लगता है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी दोनों तरीके से ये तैयार है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो करीब 407 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक की हुई है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये 425-430 टच कर सकता है। इसका अगर हम टेक्निकल बात करें तो गोल्डन क्रॉस अभी अभी बना है, और मुझे लगता है कि जिस भी स्टॉक में गोल्डन क्रॉस बनता है तो वहां से तेजी देखने को निश्चित रूप से मिलती है। मीडियम टर्म में अगर हम बात करें, जैसे आपने पूछा, मुझे ब्रिटानिया अच्छा लगता है और एक सेफ कंपनी है वाडियर्स की, और भारत की अग्रणी बेकरी कंपनी है और कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, और बहुत अच्छा कैश है बुक्स पे, कैश रिच कंपनी है, कोई डेट नहीं है। तो करीब 3752 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई है आज, और मुझे लगता है कोई मीडियम टर्म तक इसमें इन्वेस्ट करे तो 3900 यानी 3900 का टारगेट मैं इसमें देना चाहूँगा। तो ये दोनों स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनमें रिटर्न आने के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। जी विजय जी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की, और मीडियम टर्म खरीदारी करनी है मतलब 2 से 3 महीने का अगर व्यू है तो ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेबी से जुड़ी ये सेबी बोर्ड मीटिंग से जुड़ी हुई जरूरी खबर है। कई अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बदलाव, साथ ही दिवालियापन से उभरी कंपनियों में निवेश की शर्तों में राहत जैसे बड़े फैसले शामिल है। हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार का रुख करते हैं। ब्रजेश, सेबी बोर्ड बैठक में जो फैसले लिए गए उनके मायने क्या रहे हैं? देखिए, मुख्य तौर पर देखें तो 3 फैसलों को अहम फैसले कह सकते हैं, जिसमें से एक ये है कि जो कंपनियां इंसॉल्वेंसी में गई हुई थी और वापस आकर रिलिस्ट हो रही हैं, तो ऐसी कंपनियों के लिए जो है ये है कि कम से कम रिलिस्टिंग के समय कम से कम 5% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखना ज़रूरी होगा। हमने देखा था रुचि सोया के केस में कि चूंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत कम थी तो प्राइस में जो है हमने बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन देखा था, तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो आगे जा करके, इसे रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। यहाँ पे यह है कि जब रिलिस्ट होगी तब कम से कम 5% पर होगी, 5% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद साल भर के अंदर 10% और 3 साल के अंदर 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग करना ज़रूरी होगा, और इसके लिए जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो अगर उनके ऊपर जो 1 साल का लॉक इन लगा हुआ था उसमें रिलीफ दी जाएगी, ताकि 1 साल के अंदर वो जो 5% पे रिलिस्ट होगा उससे बढ़ते बढ़ते वो ले जाकर के उसको 10% तक पहुंच पाएं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी प्रमोटर्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर FPO आता है तो वहाँ पर जो प्रमोटर के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में भी राहत दी गई है। अगर प्रमोटर चाहें तो वो सब्सक्राइब करें और चाहे तो नहीं करें। इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें होगा जो नॉन प्रमोटर हैं लेकिन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर हैं। वो कई बार निकलना चाहते थे तो प्रमोटर अपना हिस्सा नहीं कम करना चाहता था और FPO नहीं लाना चाहता था, उस स्थिति में वो बेचारे फंस जाते थे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए ये कहा गया है कि अब प्रमोटर के लिए अपना खुद का सब्सक्रिप्शन करना ज़रूरी नहीं होगा FPO में, चाहे तो करे चाहे नहीं करे, लेकिन 3 साल तक कंपनी का लिस्टेड होना ज़रूरी है, कंप्लायंस में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और 95% जो शिकायतें आई हों कंपनी की उसका निस्तारण कंपनी ने खुद किया हुआ हो। और तीसरी जो अहम चीज़ अहम फैसला है वो म्यूचुअल फंड्स को लेकर के है। इसमें ये और चूंकि निवेश और ज़्यादा सुरक्षित हो इसके लिए ये नियम मंजूर किया गया है कि जो म्यूचुअल फंड की स्कीम के असेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग की जाएंगी। अभी बैंक अकाउंट और सिक्योरिटीज़ का अकाउंट अलग अलग होता है। इसका मकसद ये है कि निवेश जो है इन्वेस्टमेंट का, एक स्कीम में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका असर दूसरी स्कीम पर नहीं पड़ने पाए। साथ ही जो नए नए किस्म के जो इनोवेटर टेक्नोलॉजी कंपनी अगर म्यूचुअल फंड स्कीम लाना चाहें तो उनके लिए मुनाफे में रहने की शर्त से राहत दी गई है। अगर 100 करोड़ का नेटवर्थ है तो भले ही मुनाफे में ना हो वो म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश, सभी बोर्ड बैठक की अहम जो फैसले हुए हैं उनके और बारीकियां समझाने के लिए आपका। दूसरी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। रियल्टी इंडेक्स में काफी एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। 5% के उछाल के साथ 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। कुछ ज्यादा डिटेल समझते हैं मानसी से। मानसी, जरा बताएं इस डिटेल्स के बारे में।
जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो आज पूरे दिन ये सेक्टर एक्शन में रहा और रियल्टी इंडेक्स में करीब 4% से भी ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मांग की अगर बात करें, मांग में लगातार बढ़त हम देख रहे हैं। त्योहारी सीजन में तो मांग अच्छी थी, लेकिन त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी MMR बेंगलुरु NCR जैसे मार्केट्स में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। दोनों ही लग्जरी सेगमेंट और साथ ही अफोर्डेबल सेगमेंट में मांग में बढ़त है और आने वाले 2 तिमाही के लिए डेवलपर्स के पास एक मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन भी है। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी में कटौती जो ताजा हुई थी उसका फायदा भी काफी हद तक मिला है। स्टैंप ड्यूटी में कटौती से वॉल्यूम्स में 48% की बढ़त देखने को मिली है। महाराष्ट्र में लग्जरी और अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों की ही बढ़त मांग में देखने को मिली है। रियल एस्टेट प्रीमियम में कटौती की संभावना है जो कि एक पॉजिटिव है। FSI प्रीमियम में 50% की कटौती के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार और BMC है। अभी FSI प्रीमियम में कटौती के फैसले पर कैबिनेट का जो मोहर है वो लगनी बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार जरूर है, लेकिन जैसे ही ये मंजूरी आती दिखेगी प्रीमियम कम होने के लिए से कई जो डेवलपर्स हैं उनको प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिलेगी। महंगे प्रीमियम और डेवलपमेंट चार्जेस से परेशानी जो होती है वो खत्म होगी और एक बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज बड़ी खबर ये उस दिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साबित होती हुई दिखेगी। रियल एस्टेट से जुड़े सारे शेयर्स में आज शानदार बढ़त देखने को मिली और सेक्टर के हर शेयर में हरे निशान के साथ ही ट्रेड हमने देखा। अब समझते हैं बाजार पर कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। अनिल जी आपके पास आ रहे एक बार फिर से, कल वायदा एक्सपायरी, कल कहां से बाजार को ट्रिगर मिलेंगे? दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? कल भारतीय बाजारों के लिए बड़ा दिन है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का, उस लिहाज से एक्शन भरपूर रहेगा। और अब शुरुआत आप करेंगे कल किस तरह से अमेरिका में एक्शन होता है। अमेरिका में सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेड की बैठक है और फेड ब्याज दरों में तो बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आगे कमेंट्री किस तरह की फेड की रहती है वो काफी अहम और इम्पोर्टेंट होगी। और उसके दम पर और डाउ फ्यूचर्स के दम पर कल भारतीय बाजार अपनी शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, अब धीमे धीमे बाजार की रेंज और सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में 13,500 कल तुरंत प्रभाव से भारतीय बाजारों के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और एक बार 13,700 को पार करने के बाद 100 से 150 पॉइंट की तेजी की गुंजाइश और भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आ सकती है। एक्सपायरी का दिन है तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे ही आपको। दमदार शुरुआत हुई तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर और कमजोर खुले तो निचले स्तरों से रिकवरी आने की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। और रिकवरी के लिए बेस्ट लेवल जो है वो 13,500 से 13,600 के निकल कर आते हैं जहां से खरीदारी बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त है, 30,500 के नीचे कमजोर होगा, 31,000 के ऊपर थोड़ा और मजबूत। लेकिन जो इमीडिएटली रेंज निकल कर आ रही बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर वो कल के लिए 30,350 से 30,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 31,000-31,200 ऊपरी रेंज है जहां पर थोड़ी रुकावट आपको आती हुई दिख सकती है। इसी रेंज को आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी पर भी। तो एक्शन भरपूर कल भी रहेगा और हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे। न सिर्फ दिग्गज शेयरों में बल्कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर तेजी चल रही है और वहां पर भी आपका फोकस ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बरकरार रहना चाहिए। शुक्रिया अनिल जी कल के लिए स्ट्रेटजी बताने के लिए। आइए अब जानते हैं वायदा बाजार की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। और कल के ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका जी से बात करते हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल एक्सपायरी के दिन कहां पर स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे आप? देखिए कल वीकली एक्सपायरी है और हम टारगेट 13,650 की कॉल पे रखेंगे। इसकी क्लोजिंग तो वैसे ऊपर हुई है 60 के आसपास, बट नॉर्मली हर दिन हमें डिप मिलता है नीचे बाय करने के लिए, तो कल जो बाइंग रेंज होगी मेरी वो 35 के आसपास होगी। यानी जो आज 60 रुपये में क्लोज हुई है वो 30-35 के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए। 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट वाइज 60 से 65 रुपये के होंगे। तो निफ्टी में ये है। और अगर स्टॉक में हम ढूंढ रहे हैं तो SDFC लिमिटेड काफ़ी अच्छा अभी भी लग रहा है, 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ये 2460 की तरफ जा सकता है, स्टॉप लॉस 2410 का रखना है। शुक्रिया नितिन जी कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में विजय चोपड़ा साहब से फिर बात करते हैं। विजय जी, अब लॉन्ग टर्म किसी को स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे आप? स्वाति, मैंने आप ही के चैनल पे एक और स्टॉक रिकमेंड किया था हाल फिलहाल में, वो है नालको नेशनल एल्यूमिनियम। ये स्टॉक करीब करीब 43-44 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगता है। भारत सरकार की कंपनी है और एल्यूमिनियम प्राइसेस अगर आप देखें तो ग्लोबली इसके अंदर करीब करीब 30-40% की तेजी आ चुकी है पिछले कुछ महीनों में।
तो और एल्यूमिनियम क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इसकी अच्छी यूजेज है, और नालको की अगर आप खास करके बात करें तो इसके पास जो बॉक्साइट की माइंस हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छे ग्रेड का बॉक्साइट इनके पास है। और दो तीन चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा जो इनका इनके पास महानदी कोल ब्लॉक से जो कैप्टिव कोल ब्लॉक्स हैं जहाँ पर इनको कोयला सस्ते में मिलता है, प्लस इनके पास 1200 मेगावाट का अपना ही पावर जनरेशन प्लांट भी है जो कि कैप्टिव पावर प्लांट है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दुनिया में काफ़ी निचले स्तर पे माना जाता है, और इवन हिंडाल्को से भी ये कम खर्चे में ये प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा नालको के एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं बॉक्साइट के और एल्यूमिना के, तो मुझे लगता है कि नालको जो इधर अभी करीब करीब 42 से 43 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यदि कोई साल भर तक इसको रखे तो ये डबल होने का भी दमखम रखता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड था करीब 94% का था, और इस साल उस समय जो एल्यूमिनियम का प्राइस चलता था करीब 135 था, जो अभी 165-170 के लगभग है। तो एल्यूमिनियम में भी के प्राइस में भी बहुत बढ़ोतरी आई है, और प्रॉफिट्स में भी अगर इस तिमाही के आप प्रॉफिट देखेंगे तो नालको के प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे। तो डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि जहां 94% का लास्ट ईयर डिविडेंड था, तो हो सकता है इस बार 100% का हो। 5 रुपए पेट अप शेयर है, तो 42-43 रुपए के शेयर पे अगर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिलता है तो लगभग लगभग आपको 10-12% की रिटर्न मिल जाती है डिविडेंड से ही, और जो स्टॉक में बढ़ोतरी आएगी वो अलग। तो हर पर्सपेक्टिव से फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है नालको, और इसको लिया जा सकता है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो नालको में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विजय चोपड़ा की। विजय जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए, साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए जुड़िए सुबह 7 बजे से जी बिजनेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।